हेलो एवरीवन, दिस इज राखी तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं check.com के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट है। वेबसाइट में काम करके मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। प्लस इस वेबसाइट में काम करना मैंने क्यों बंद किया, इस वेबसाइट से मैंने कितनी अर्निंग करी, क्या इस वेबसाइट से सच में अर्निंग की जा सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आपको ये तरीका आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। और मैंने इस वेबसाइट में काम करना क्यों बंद किया इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो पूरी तरह से जेन्यून है, ये मेरा खुद का रिव्यू है, मेरी क्या सोच है चेक को लेकर उसके बारे में ही बेस्ड है ये वीडियो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उन सभी यूज़र्स के लिए जो या तो चेक में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर चेक में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, तो लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने चेक में काम करना कब स्टार्ट किया। तो चेक में अगर काम करने की बात बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है इस जॉब के लिए, जो कि ऑनलाइन जॉब है, पार्ट टाइम जॉब होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें आप कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के ट्यूटर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चेक में आप या तो चेक एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं या फिर चेक ट्यूटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। चेक एक्सपर्ट बनते हैं तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर और या फिर उसको टाइप करके पोस्ट करना होता है और इस तरह आप आंसर देते हैं और आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने क्वेश्चंस का आपको पैसा मिलता है, ऐसा रहता है। और अगर आप चेक ट्यूटर बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन चैटिंग या फिर वीडियो या फिर ऑडियो कॉल करनी होती है जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, और उनके डाउट्स क्लियर करने रहते हैं। तो इस तरह चेक ट्यूटर काम करता है। तो मैं यहाँ चेक की जो भी साइट है उसमें एज अ चेक एक्सपर्ट काम कर रही थी और इस साइट के साथ मैंने कितना अर्न किया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आप चेक में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा और उसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पर सभी तरह के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, मेडिकल के सब्जेक्ट हो गए, BDS, BAMS, BHMS, नर्सिंग एंड सभी तरह के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे बायो हो गया और मैथ्स हो गए, सारे बेसिक सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, प्लस स्पेशल सब्जेक्ट्स भी सारे अवेलेबल हैं इसमें। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है इसमें जिसमें आपको नॉलेज है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल थे तो आप इसमें ट्यूटरिंग कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से जेन्युइन वेबसाइट है, मैंने भी इसमें काम किया था। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो मैंने जनवरी में अप्लाई किया था, लास्ट ईयर की जनवरी में मैंने अप्लाई किया था और विद इन 6 मंथ का टाइम इसमें लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। तो 6 मंथ के बाद जब इसमें वैकेंसी आती है तब वो आपको मेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यस यू आर सिलेक्टेड और आपका जो भी चेक का अकाउंट है वो खुल चुका है और अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैंने जनवरी में अप्लाई किया था और उसके बाद 6 महीने के बाद जुलाई में मेरा जो भी अकाउंट था वो एक्टिव हुआ और मैं सेलेक्ट हुई इस जॉब के लिए। तो इसके 2 एग्ज़ाम भी होते हैं, एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है और दूसरा गाइडलाइन टेस्ट। तो गाइडलाइन टेस्ट में आपको सभी ऐप से रिलेटेड, उस साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में आपके क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर तो आपको आंसर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस वो करवाते हैं, उसके बाद ये टेस्ट होता है। तो आपको पहले वो वीडियोस देखने होते हैं और उसके बाद इस टेस्ट को अपीयर करना होता है और प्लस एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, जिसका आप ट्यूटर बनना चाहते हैं, जिसका या एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टेस्ट में होते हैं। तो इन दोनों ही टेस्ट को जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपके पास एक मेल आता है कि आपका जो भी अकाउंट है वो 6 मंथ के बाद की कोई डेट होती है जिसमें कि एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद से आपके डैशबोर्ड में क्वेश्चंस आने लगते हैं और अगर आप उन्हें आंसर करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने जनवरी में अप्लाई किया था और उसके बाद मेरा जुलाई तक में एक्टिव हो गया था अकाउंट। मैंने दोनों टेस्ट पास कर लिए थे और उसके बाद ये जो 2 टेस्ट हैं इसके लिए 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर 2 अटेम्प्ट में आपका हो जाता है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जुलाई में मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया था और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का आपको ये पैसे देते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इनका रेट रहता है पर क्वेश्चन वाइज।
तो मेरा जो भी सब्जेक्ट था उसमें मुझे 150 से ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे थे वन क्वेश्चन करने का, मेरा 163 रुपीज़ मिलता था पर क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी आपको ये देखकर नहीं चूज़ करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आपको जिस सब्जेक्ट का नॉलेज सबसे ज़्यादा है वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इस साइड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हाई लेवल के रहते हैं और उसमें आपको टाइम देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाते एक दिन में, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूँगी और एक दिन की अर्निंग मेरी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी टफ थे और एक दिन में 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन मैंने किए होंगे या फिर 5, उससे ज़्यादा मैंने कभी एक दिन में नहीं किया, तो काफ़ी टफ लेवल था इन क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद जुलाई के बाद से अभी लास्ट दिसंबर तक मैंने इस साइट पे काम किया है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने इस पे काम करना क्यों छोड़ा, तो इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ टाइम के बाद इसमें अपडेट हुआ था नवंबर के पहले ही सितंबर में, तो साइट की जो भी सेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई थी और इसमें आंसर सबमिट करना भी थोड़ा टफ हो गया था, प्लस जो क्वेश्चंस का लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, तो मैं इसमें काम नहीं कर पा रही थी। प्लस मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया था तो मैं इसको और भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सितंबर में मैंने अपना ऑफलाइन जॉब, जो भी मेरा ऑफलाइन करियर है, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था तो उसकी वजह से मैंने ऑफलाइन में जॉब स्टार्ट कर दिया था, तो ऑनलाइन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी और मैं क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पा रही थी। जो सब्जेक्ट चूज़ किया था वो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं था, वो अदर सब्जेक्ट था, तो मैं थोड़ा गूगल की हेल्प से भी आंसर करती थी, पर बहुत ज़्यादा आप कॉपी करके उसमें नहीं लिख सकते क्योंकि उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि उसमें पता चल जाता है कि आपने कैसे कॉपी किया है, तो आपका क्वेश्चन वो निगलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके पैसे भी आपको नहीं मिलते, प्लस उसमें डाउन वोट अगर मिलता है तो उसके लिए आपका चेक होता है, तो बहुत सारी चेकिंग होने लगती है, तो इस वजह से वो जो ऐप था उसमें काम करना थोड़ा टफ हो रहा था। प्लस मैं काम नहीं कर पा रही थी उसमें क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी जॉब कर रही थी, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी इस वजह, और प्लस मैंने दूसरी सिटी में भी शिफ्ट किया तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा शेड्यूल जो था वो बहुत ही बिगड़ गया था, इस वजह से मैं उस साइट पे काम नहीं कर पा रही थी। प्लस मैंने उस साइट में, अगर मैंने जितना भी काम किया है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं की होगी, पर मैंने 15,000 रुपये तक कमाए थे जितने भी मैंने काम किया, तो आप समझ सकते हैं एक महीने में मैंने 3,000 से ज़्यादा तो कभी नहीं कमाया, 2-3 हज़ार ही कमाती थी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहे हैं अपनी जॉब के साथ, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो अर्निंग होती है वो पूरी तरह से जेन्यून है। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं अच्छे से तो आपको इसमें अर्निंग ज़रूर होगी, क्योंकि मुझे भी हुई है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपको नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो आपको ट्राई करना चाहिए, हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था जिसे मैंने इसलिए चूज़ कर लिया था, और स्टार्टिंग में जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो वो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके बाद भी एक लंबा प्रोसेस है वो सब्जेक्ट चेंज करने का, जो कि मैंने फॉलो नहीं किया और मैंने अपना सब्जेक्ट नहीं चेंज कर पाई, और मुझे पहले आइडिया नहीं था कि इसमें सब्जेक्ट नहीं चेंज कर पाएंगे, इसलिए मैंने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था और उसके बाद इसमें मैंने काम किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि पास टाइम नहीं था। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप चेक में काम करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर लें अभी, और अगले 6 महीने तक में आपका अकाउंट जरूर एक्टिव होगा। प्लस अगर आपको नॉलेज है तभी आप इस साइट पे काम करें, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए, आप इसमें पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उतना और आप इसे चूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग आप नहीं कर पाएंगे। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी।